2023 खत्म होने वाला है एक सेकंड खत्म होने वाला क्या है? हो गया है मतलब शेयर ने ये साल भी बर्बाद कर दिया वैसे शेयर अगले साल कुछ करके दिखाएगा है ना खेर शेर को अपना काम करने देते हैं लेकिन 2023 में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में क्या धमाका हुआ है यार कुछ सुपर सॉलिड स्मार्टफोन लॉन्च हुए वे, हैं कुछ वैल्यू फॉर फो मनी फोन लॉन्च हुए हैं और कुछ ने तो एक रेट हम भी किया है वैसे कुछ ओवर प्राइस स्मार्टफोन भी लॉन्च हुए हैं और कुछ को देख के तो मूड खराब हो गया भाई तो चलिए बात करते हैं बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ ट्वेंटी की एंड की हाँ उनको हम एक अवार्ड भी देंगे और भाई आपके लिए हमने बहुत रिसर्च भी किया है ऑलमोस्ट सारे फोन के हमने अनबॉक्सिंग रिव्यूज़, टेस्ट किया है पर्सनली तो दोस्त से उधार में लिए हुए सूट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं <laughs> तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन ऑफ द ईयर देखो सिंपल सा फंडा है इस कैटेगरी में हमने उन फोन्स को ऐड किया जो आपको प्राइस के हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी चीजें दे रहा था इस कैटेगरी में मैंने टोटल चार फोन रखे हैं मोटो एच फोर्टी न्यू इन्फिनिक्स जीरो आईको जी सेवन प्रो फाइव जी ओके चलो आपको मैं दस सेकंड का समय देता हूँ नीचे गेस करना इनमें से आपके हिसाब से कौन एक्चुअली में विनर है गेस करते करते तब तक है वो जो नीचे लाइक बटन है दबा दो यार इतनी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ लाइक तो बनता है यार पर इस कैटेगरी में जो विनर निकल के आता है

इन सभी में से जो विनर निकल के आता है वो है इनफेनिक्स रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको पता ही है दो तो तीन साल पहले की बात करें तो इनफिनिक्स ब्रांड इतना ज्यादा ऑनलाइन मार्केट में पॉपुलर नहीं हुआ था जितना 2023 में हुआ है रीजन इन्होंने जो फोन लॉन्च किया है 2023 में ओ माय गॉड बजट कैटेगरी हो या फिर मिड रेंज कैटेगरी हो बीस हजार तीस हजार के आसपास भाई क्या फोन लॉन्च किया भाई मानना पड़ेगा एंड विदाउट एनी डाउट उभरता हुआ ब्रांड निकल के आया है दो हजार तेईस में वो इन्फेनिक्स है वो है बेस्ट फोल्ड फोन ऑफ मतलब एक टाइम पहले लॉन्च नहीं हुआ करते थे लेकिन 2023 में भाई बहुत सारे फोल्ड फोन लॉन्च हुए हैं वो भी अपने आप को इम्प्रूव करके तो हमने काफी के जो, है, है जो फोल्ड फोन की दुनिया है इसमें धीरे धीरे दूसरे ब्रांड्स भी आ रहे हैं और इस साल ओप्पो भी आया है वन भी आया है एंड सैमसंग है ही बहुत पहले टाइम से लेकिन जो ओप्पो का फाइन एन था डेफिनेटली वो भी एक बहुत ही बढ़िया फोल्ड फोन था जो वन का ओपन फोन आया था माई गॉड मतलब

ओके okay, मस्ती साइड में जो नेक्स्ट कैटेगरी निकल के आता है वो है बेस्ट बजट स्मार्टफोन ऑफ द ईयर ओ oh माय गॉड भाई 2023 में बजट सेगमेंट में क्या फोन लॉन्च हुए भाई ओके okay, इस कैटेगरी में मैंने तीन फोन को रखा है लावा अग्नि 2 Samsung M34 और G54. और G54 इन सब में जो विनर निकल के आता है वो है लावा अग्नि अग्निटू तालियां बस्ती रहनी चाहिए दोस्तों इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन है मानना पड़ेगा भाई दो में इंडियन ब्रांड ने भी कुछ करके दिखाया है एक वो था जो चीनी का चीनी कम बोल के

हाँ उन लोगों ने ये कैटेगरी है बेस्ट क्लीन यू आई फोन ऑफ द ईयर और इसमें भी हमने तीन चार फोन को रखा है नथिंग फोन टू मोटो एच फोर्टी गूगल पिक्सल एट एंड सैमसंग एफ फिफ्टी फोर इन सभी में आपको क्लीन यूजर एक्सपीरियंस मिलता है कोई फालतू के नहीं है एड्स वगैरह नहीं मिलते एकदम क्लीन एक्सपीरियंस है एंड हाँ, इन सभी को हमने अच्छे से टेस्ट भी किया था ट्वेंटी में एंड सरप्राइजिंगली भाई जो विनर निकल के आता है वो है नथिंग फोन टू इनका जो नथिंग ओ है देखो मुझसे पूछोगे मैंने जितने भी फोन यूज किए हैं नथिंग ओ एस भाई एंड्रॉइड

वेट कर रहे थे आप लोग मैं भी हम सभी लोग मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट फ्लैगशिप फोन ऑफ ट्वेंटी इसमें भी बहुत सारे फोन है लेकिन दोस्तों एस 23 और 15 प्रो मैक्स. इस का जो विनर है वो है सैमसंग गैलेक्सी अल्ट्रा क्या ही फ्लैगशिप फोन है यार जो हमने इस फोन को अवार्ड दिया है ट्रूली में ये फोन उस अवार्ड को डिजर्व करता है सच मायने में एक रियल जो फ्लैगशिप फोन होना